हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे नीट क्वेश्चन सीरीज की। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन और टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 7 और क्वेश्चन होगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है इफ 0.1 m, कैपिटल एम का मतलब है मोलर, जो कि मोलारिटी का यूनिट है। तो यहाँ कैपिटल एम है मोलारिटी। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट्स, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट। आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा पूछ रहा है। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का और एक है यूरिया का, और दोनों ही सॉल्यूशन की मोलारिटी इक्वल है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, सारे स्टेटमेंट बोलना क्या चाह रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है देयर विल बी नो नेट मोमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोज विल फ्लो टुवर्ड्स द यूरिया सॉल्यूशन। ऑप्शन सी है यूरिया विल फ्लो टुवर्ड्स ग्लूकोज सॉल्यूशन। ऑप्शन डी है वाटर विल फ्लो फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टू ग्लूकोज। क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है। पहला है, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज सॉल्यूशन, और सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन है यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन। इन दोनों सॉल्यूशन का हाइट सेम है। ठीक है, इन दोनों को जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर में इन दोनों का हाइट सेम है, और इन दोनों को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, इसकी मोलारिटी है 0.1 m, इसकी मोलारिटी भी है 0.1 m। तो इसका फ्लो किधर से किधर होगा ये डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू मोलारिटी एम आर टी। R कांस्टेंट होता है, T भी यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ जो M मोलारिटी है इसकी वैल्यू दोनों के लिए देखिए सेम है। M की वैल्यू यहाँ भी 0.1, M की वैल्यू यहाँ भी 0.1, मीन्स सब कुछ कांस्टेंट है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो इन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हम सीधा सीधा ले सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। क्लियर है, कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब यहाँ ये यह हो गया है कि पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर 2 डिफरेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है इसका मतलब ये है हमारा आइसोटोनिक का केस। क्लियर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो। और अगर ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो इनका फ्लो कहीं भी नहीं होगा, इन दोनों का प्रेशर सेम है तो कोई भी सॉल्यूशन में यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। मींस ना तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन यूरिया की तरफ जाएगा और ना ही यूरिया का सॉल्यूशन ग्लूकोज की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर नेट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, देयर विल बी नो नेट मोमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। आइसोटोनिक के केस में दोनों ही सॉल्यूशन का अगर प्रेशर सेम है, प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनके मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है। क्लियर है, तो यहां पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में गिवन है ब्लड सेल्स रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर। ये क्वेश्चन है नीट 1991 का, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ब्लड सेल्स किस टाइप के सॉल्यूशन में अपने नॉर्मल शेप को रिटेन करके रख सकते हैं, अपने शेप को सेम रख सकते हैं। देखिए ये है हमारा ब्लड वेसल। ठीक है, इस ब्लड वेसल के अंदर में क्या है, ये है ब्लड, ये है ब्लड वेसल, या फिर आप कह सकते हैं ब्लड सेल्स, और इसके अंदर में क्या है, ब्लड। जब हम इसको किसी भी सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, लेट सपोज ये एक दूसरा सॉल्यूशन है, ये है एक दूसरा सॉल्यूशन। अब यहां आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
कि ये जो सॉल्यूशन है ये ब्लड के साथ किस तरह से ट्रीट करे कि ये ब्लड सेल शेप चेंज ना करे, अपने शेप को वैसे ही बना कर रखे। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल और ब्लड के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का इंट्रैक्शन ना हो, ना तो ब्लड के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव करे और ना ही सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल ब्लड की तरफ मूव करे, तब ये सेल में ना तो कॉन्ट्रैक्शन होगा और ना ही एक्सपांशन होगा, ब्लड सेल का शेप जो है वैसा ही बना रहेगा। क्लियर है? तो अगर मॉलिक्यूल ना तो इधर जाए और ना ही इधर से इधर आए, तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आइसोटोनिक नेचर का। क्लियर है? यहां पर ब्लड और सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक अगर हैं, तब यहां पर ब्लड सेल के शेप में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बोला है आइसोटोनिक टू ब्लड, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये सॉल्यूशन ब्लड के आइसोटोनिक है तो ब्लड सेल का शेप रिटेन रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये आइसोटोनिक का क्वेश्चन था, इस तरह से हमने इसको समझ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में गिवन है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। ये क्वेश्चन नीट 2006 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किस तरफ फ्लो करेंगे। ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑस्मोसिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसके बारे में हमने हमारे थ्योरी लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी लेक्चर में इसको अच्छे से समझ सकते हैं, बट शॉर्ट में भी हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस, जब हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो ये देखिए, ये है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम SPM कह सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है सॉल्यूशन वन और ये है सॉल्यूशन टू। लेट सपोज इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, इसे हम कहेंगे लो कंसंट्रेशन रीजन, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है तो इसे हम कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन रीजन। तो जब हम नॉर्मली दो सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ लो कंसंट्रेशन रीजन में जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट सपोज यहाँ पे क्या है, वाटर है, दोनों में वाटर या सॉल्वेंट है, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, लो कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है? सो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन। क्लियर है? तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन में जाने की बात हो रही है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? देखिए हमारा ऑप्शन ए है, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विथ इक्वल फ्लो रेट। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड कैसे मोमेंट होगा, लो से हाई की तरफ ही मूव होगा। सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम बोथ साइड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन रीजन ओनली, ये करेक्ट है। वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो उसी साइड से होगा जहां लोअर कंसंट्रेशन रीजन है। क्लियर है? अगर लो कंसंट्रेशन रीजन है तभी तो हाई कंसंट्रेशन रीजन में जाकर उसको एक्सपांड कर पाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में गिवन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम डेसीमीटर की पावर -3 ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया हमको गिवन है 60 ग्राम मोल इनवर्स, इज आइसोटोनिक विथ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज। ये क्वेश्चन नीट 2006 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है।
हमें इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट सॉल्यूशन गिवन है और दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं आइसोटोनिक नेचर के हैं, मींस हमें यहाँ पे आइसोटोनिक नेचर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और फिर हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू मोलैरिटी एम इन टू आर टी, क्लियर है। यहाँ मोलैरिटी को हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ ये यह हो जाएगा m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इन टू आर टी। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज एम टी इन टू आर टी। मतलब फाइनली हम यहाँ पे यूज करेंगे पाई इक्वल टू डब्ल्यू किस में रहेगा, ग्राम में, और ये आर टी अपॉन मोलर मास एम टी। अच्छा देखिए डब्ल्यू एल को मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे नीचे क्या रहेगा, ये यहाँ पे डब्ल्यू एल, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए डब्ल्यू एल वॉल्यूम इन लीटर। अब इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है और इसके हेल्प से हम आइसोटोनिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास जो दो डिफरेंट सॉल्यूशन है उनको वन बाय वन देखते हैं उनके बारे में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशन वन की। सॉल्यूशन वन के बारे में क्या गिवन है हमें देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया। यूरिया का सॉल्यूशन है जिसमें आपको 10 ग्राम डेसीमीटर की पावर -3 मतलब डेंसिटी गिवन है। यहाँ पे सॉल्यूशन वन के लिए क्या गिवन है, डेंसिटी हमको गिवन है 10 ग्राम डेसीमीटर क्यूब या डेसीमीटर की पावर -3, ठीक है, यहाँ गिवन है डेसीमीटर की पावर -3। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास और यू कैन से वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप रिलेट कर लीजिए, इसको 10/1 हम लिख सकते हैं क्या, इसको मैं और आगे एक्सटेंड करूँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 10/1 और ग्राम को ऊपर रख लेते हैं और ये डेसीमीटर क्यूब को हम नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से मास कितना मिल गया, 10 ग्राम, और यहाँ पे हमको 1 डेसीमीटर क्यूब क्या मिल गया, वॉल्यूम। तो फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मीन्स हमको W1 मिल गया 10 ग्राम, क्लियर है। एंड वॉल्यूम VL1 ये हमको कितना मिल गया, 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब और कुछ नहीं होता है, लीटर होता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 लीटर, क्लियर है। अब देखिए और क्या गिवन है हमको आगे, सॉल्यूशन वन के बारे में हमको जो उसमें मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है यूरिया, तो यूरिया का गिवन है हमको MT1 गिवन है 60 ग्राम पर मोल, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमको ये मिल जाएगा। देखिए पाई वन इक्वल टू हो जाएगा W1, R तो कांस्टेंट है, TB कांस्टेंट है, और ये MT1 और ये हो जाएगा VL1। जो वैल्यू हमको पता है उसको पुट कर लेते हैं, W1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, RT को तो R और T ही रहने देते हैं, MT कितना है, MT हमारे पास है 60 और VL कितना है, ये है 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेता हूँ, क्लियर है। अब देखिए हमें और क्या गिवन है सेकंड सॉल्यूशन के लिए, अब देखते हैं फॉर सॉल्यूशन टू। सॉल्यूशन टू के लिए हमें क्या गिवन है, इज आइसोटोनिक विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें सिर्फ 5% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब है 5% जो हमारा सॉल्यूट है ये 100% सॉल्यूशन में मिक्स है, क्लियर है। और सॉल्यूट का अमाउंट हम वेट में मेजर करते हैं, तो यहां हम इसको लिख लेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन जो कि लिक्विड है, तो इसका हम वॉल्यूम में मेजरमेंट करते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे 100 ml लिख लेंगे, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
तो अब हम 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब है सॉल्यूट का जो अमाउंट है दैट इज W, यहां सेकंड सॉल्यूशन के लिए है तो इसे हम लिख लेंगे W2, तो W2 हो जाएगा 5 ग्राम और 100 ml मींस सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा VL2। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 ml, बट इसको हम लीटर में पुट करते हैं तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 100/1000 liter। क्लियर है? अब देखिए यहां से हम सीधे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सेकंड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। इधर मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, क्या हो जाएगा सेकंड के लिए pi2=W2RT/mT2, और यही mT2 हमको चाहिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास (n)VL2। चलिए अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा pi2=W2 का वैल्यू हमें कितना मिला 5 ग्राम, RT का वैल्यू हमको नहीं पता। अब देखिए mT2 ही चाहिए हमको यहाँ पे, तो mT2 को भी वैसे ही रख लेते हैं, और वॉल्यूम हमको मिल चुका है कितना है 100/1000, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, और ये फाइनली हो जाएगा 1/10, और ये लीटर में, तो 1/10 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो सीधे सीधे ऊपर चला जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा (1)। क्लियर है? अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास जो दो सॉल्यूशन गिवन है सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, ये दोनों का दोनों आइसोटोनिक है, और आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक मींस होता है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, मींस यहां pi1 और pi2 दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, तभी ये कहलाएंगे आइसोटोनिक। तो यहां पर हम pi1 और pi2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फिर हमें आगे वैल्यू मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा pi1 का वैल्यू कितना है 10 RT/60 = pi2 का वैल्यू कितना है 5×10 कितना हो जाएगा ये 50 RT/mT2। हमको mT2 का वैल्यू चाहिए, यहां से देख लीजिए R कैंसिल R कैंसिल T कैंसिल T कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, तो बच किया गया mT2 को इधर ले आता हूं मैं, तो mT2 हो गया =60 चला जाएगा इधर, तो 5×60, तो यहां 5×6 दैट इज 30, तो फाइनली mT2 कितना हो जाएगा, mT2 = हो जाएगा 300, और यूनिट होगा ग्राम मोल इनवर्स, और यू कैन से ग्राम पर मोल। इस तरह से हमको mT2 मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास मिल गया, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर A। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल में समझते हुए इसको सॉल्व कर लिया। एक बार आपको इसका अच्छा आइडिया हो जाए तो आप सीधे सीधे pi1=pi2 कीजिए, और pi1 pi2 का फॉर्मूला एक्सटेंड कीजिए और सभी वैल्यू को सीधा पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। बट हमने डिटेल में समझा है ताकि हम कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्व कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो जाए तो आप उसे हमारे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।